स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहे हैं वो लोग कि टेन प्रूफ करना है क्वेश्चन के अंदर कि टेन जो मेरे पास क्वेश्चन है, एक मिनट बेटा दे रहा हूं मैं आपको, स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में टेन ए माइनस टेन बी इज इक्वल टू, प्रूफ करो साइन ए प्लस बी अपॉन में साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी अपॉन में कितना, साइन ए माइनस बी। ठीक है सर, क्वेश्चन हम भी लिख लेते हैं। मैं तो आपसे स्टेप वन पूछ रहा हूं, अगर कोई बच्चा अलाउ कर दे तो बताओ टेन ए को लिख सकता हूँ क्या साइन ए कॉस ए? हाँ ठीक है सर। टेन बी को लिख सकता हूँ क्या साइन बी कॉस बी? ठीक है सर। अपॉन में टेन ए का मतलब क्या साइन ए कॉस ए, और टेन बी का मतलब क्या साइन बी कॉस बी। अगर यहां तक अलाउ कर दो तो सर ये क्या करा आपने, बस लिख दिया। अब अगर कोई बच्चा मुझे एलसीएम लेने को बोले तो मैं एलसीएम लेना चाहता हूँ, यहाँ पे भी एलसीएम यहाँ पे भी एलसीएम, तो सर आपका एलसीएम लोगे तो ऐसा आ जाएगा क्या साइन ए कॉस बी प्लस यहां से हो जाएगा कॉस ए साइन बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी। तो नीचे ले एलसीएम लोगे तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में कितना कॉस ए कॉस बी, अपॉन में कितना बेटा कॉस ए कॉस बी। ठीक है सर, लग तो रहा है सही बेटा, ये से ये कैंसिल हो गया। अब बताइए किसका फॉर्मूला है, जल्दी से बोलते हैं किसके फॉर्मूला है। तो जो ऊपर बचा वो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, और जो नीचे बचा वो फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। तो जो प्रूफ करना था वो तो प्रूफ भी हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो अब मैं बच्चों से डाउट पूछूंगा। टेन 56 इज इक्वल टू कॉस 11 प्लस साइन 11 दिस होल अपॉन में कॉस 11 माइनस साइन 11, तो ये प्रूफ करना है। टेन 56 इज इक्वल टू कॉस 11 प्लस साइन 11 अपॉन में कॉस 11 माइनस साइन 11। तो सर इसमें आप क्या करोगे, टेन 56 को लिख दूंगा टेन 45 प्लस 11 और अलाउ करो दो। तो सर टेन 56 को 45 प्लस 11 मतलब ये हो गया और ये क्या हो गया बी, तो सर इसका फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन 45 प्लस टेन 11 वन माइनस टेन 45 टेन 11। सर ये टेन 45 ही क्यों लिया, अरे बेटा इसी में तो मजा है, क्यों टेन 45 क्या हो जाएगा वन, टेन 45 कितना होता है वन, और टेन 11 को मैं क्या लिख रहा हूँ टेन 11 को लिख रहा हूँ साइन 11 अपॉन में कितना कॉस 11 वन माइनस वन इंटू टेन 11 को क्या लिख रहा हूँ साइन 11 अपॉन में कितना कॉस 11। तो अगर अपन एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा कॉस 11 प्लस साइन 11 अपॉन में कितना कॉस 11, यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा कॉस 11 माइनस साइन 11 अपॉन में कितना कॉस 11, कॉस 11 से कॉस 11 कैंसिल, द फाइनल आंसर इज cos 11 plus sin 11 this whole upon में cos 11 minus sin 11 cos 11 minus sin 11। prove that tan 37 is equal to cos 8 minus sin 8 upon में cos 8 plus sin 8। मेरा दिल तो ये कह रहा है कि tan 37 को लिख दो tan 45 minus 8, तो सर इससे क्या होगा ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो टेन 45 माइनस टेन 8 वन प्लस टेन 45 इंटू टेन 8, तो सर टेन 45 क्या होगा टेन 45 हो जाएगा वन, टेन 8 का मतलब क्या साइन 8 अपॉन में कॉस 8 दिस होल अपॉन में वन प्लस साइन 8 अपॉन में कॉस 8। अगर ढंग से बात करें तो कॉस 8 माइनस साइन 8 अपॉन में कॉस 8 दिस होल अपॉन में कॉस 8 प्लस साइन 8 अपॉन में कॉस 8, कॉस 8 से कॉस 8 कैन कैंसिल। सर ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, तो मैंने कहा मना किया, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, बस इस बार सर टेन ए प्लस बी की जगह टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। हाँ टेन ए प्लस बी की जगह टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। क्वेश्चन है बेटा दो तीन,
देखते हैं कितनी बार कर पाते बच्चे। मेरा पहला क्वेश्चन है साइन 78 कॉस 18 माइनस कॉस 78 साइन 18। अरे सर ये तो आपने साइन ए कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, तो सर ये तो किसका फॉर्म लोगे, साइन ए माइनस बी, और सर साइन ए माइनस बी का मतलब साइन 78 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना, साइन 60 इक्वल टू कितना, √3/2। इक्वल टू कितना सर, √3/2। तो सर सिंपल सा फॉर्मूला था बस, साइन ए माइनस बी आपने तो लगाया है अच्छे से। मैंने बोला ठीक है बेटा, मेरे पास एक और ऐसा क्वेश्चन है, cos 47 cos 13 माइनस साइन 47 साइन 13। सर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सर ये तो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, और कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 47 प्लस 13, तो सर अल्टीमेटली ये तो हो गया कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है हाफ, कॉस 60 कितना होता है हाफ। ठीक है सर, अब अगर मैं बोलूं मेरे पास अगला क्वेश्चन है साइन 36 कॉस 9 प्लस कॉस 36 साइन 9। सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो सर ये तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा साइन 36 प्लस 9, इतना तो ये हो जाएगा साइन 45 इज इक्वल टू कितना, 1/√2। मेरे पास अगला है कॉस 80 कॉस 20 प्लस, बेटा म्यूट करो म्यूट म्यूट मुर्तजा, साइन 80 साइन 20 इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो सर ये तो होता है कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 80 माइनस 20 मतलब कॉस 60 इज इक्वल टू कितना, अगेन 1/2। तो सर अभी अपन वेरी आईएमपी एग्जाम टाइप, उस पर लिखना ईटी और उसको लिखना तुझे तो आना ही होगा, और वो आता ही है, तुम बुलाओगे तो क्यों नहीं आएगा, चाहे वो खुदा हो अल्लाह हो कृष्ण हो वासुदेव हो कोई भी हो, तो तुझे तो आना ही होगा। क्वेश्चन है टेन 3a टेन 2a टेन a इज इक्वल टू टेन 3a माइनस टेन 2a माइनस टेन a, टेन 3a टेन 2a टेन a इज इक्वल टू टेन 3a माइनस टेन 2a माइनस टेन ए। अब इसे इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें, मैं बोलता हूं ये जो प्रूफ करना है ना बेटा अपने को, हाँ सर ये तो प्रूफ करना है अपने को, तो सर कैसे करें, तो बच्चों को बोलूंगा सबसे पहले तो बेटा टेन 3a को लिख ऐसा कि टेन 3a इज इक्वल टू टेन 2a प्लस a। हाँ ठीक है सर, टेन 2a प्लस a 3a ही तो होता है, अब इसको मान ले तू a इसको मान ले b, तो तब टेन ए प्लस बी क्या होता है सर, टेन ए प्लस बी होता है टेन 2a प्लस टेन 1 माइनस टेन 2a इंटू टेन ए। ठीक है सर, तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन 2a प्लस टेन ए 1 माइनस टेन 2a इंटू कितना टेन ए। सर अल्टीमेटली क्या हो गया, टेन 3a इज इक्वल टू टेन 2a प्लस टेन ए 1 माइनस टेन 2a इंटू टेन ए। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2a प्लस a को आपने ये लिखा ना सर, अभी सर हम क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा टेन 3a इंटू 1 माइनस टेन 2a टेन ए इज इक्वल टू टेन 2a प्लस टेन ए। अभी मैं 2 मिनट का यहां पे पॉज ले रहा हूं ताकि ये टेन 2a टेन ए इज इक्वल टू टेन 2a प्लस कितना टेन ए इज इक्वल टू कितना, टेन 2a प्लस टेन ए। ठीक है सर, अब इसको इधर ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 3a माइनस टेन 2a माइनस टेन ए इज इक्वल टू टेन 3a टेन 2a टेन ए। सर क्या करा, कुछ भी नहीं करा, इसको ये अगर पॉजिटिव था चल तू इधर चल, ये पॉजिटिव था चल तू इधर चल, और इस पूरे को टटक 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 को उधर भेज दिया।
और क्या सर यही प्रूफ करना था? हाँ बेटा यार यही प्रूफ करना था। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन, मजाक में नहीं ले सकते, फोटो भेजता हूं। इफ इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 देन प्रूव दैट 1 + 10a इंटू 1 + 10b इज इक्वल टू 2। एक तो ये, नेक्स्ट पूछा है सेकेंड, कॉट ए माइनस 1 कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू भी कितना बेटा 2। कॉट ए माइनस 1 कॉट b - 1 इज इक्वल टू भी कितना 2। इन्होंने खुद ने बोला कि 10a + b कितना है 45। हमने बोला भाई देखो हमको तो सिर्फ एक फॉर्मूला बचपन से पता है, 10a + b इज इक्वल टू 10a + 10b 1 - 10a 10b। और हमने बोल दिया ये फॉर्मूला तो हमको बचपन से ही पता है। अब बता ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो 10 45 कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 10 45 कितना होता है सर, 1 होता है। तो 1 = 10a + 10b अपॉन में 1 - 10a 10b। अब अगर इसको इधर भेज दे तो बताओ क्या आ जाएगा ये पूरा? तो सर ये तो हो जाएगा 1, अगर अपन देखें ध्यान से तो ये कितना हो जाएगा 1 - 10a 10b इज इक्वल टू 10a + कितना 10b। ठीक है सर समझते हैं, बोल तो आप सही रहे हो। ठीक है बेटा अब अगर मैं इसको उधर भेज दूं, इस पूरे को उधर भेज दूं, तो 1 = कितना आ जाएगा 10a + 10b + 10a 10b। ठीक है तो ठीक है, मेरी एक और इच्छा है, अगर कोई बच्चा अलाउ करे मैं इधर भी +1 करना चाहता हूँ, इधर भी +1। तो सर इधर आप +1 करोगे और इधर आप +1 करोगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 = 1 + 10a 1 + 10a आ जाएगा। और अगर यहां से अगर तुम ब्रैकेट में से 10b कॉमन ले लो इन दोनों में से, सर 10b कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 + 10a। क्या बात है सर। तो सर अब देखो इधर भी 1 + 10 है, इधर भी 1 + 10 है, और अगर 1 + 10 है पूरा ही कॉमन ले ले, 1 + 10 है पूरा ही कॉमन ले ले तो दूसरे विकेट में क्या आ जाएगा 1 + कितना 10b 1 + कितना 10b। तो सर 1 + 10 है इंटू 1 + 10b इज इक्वल टू कितना 2। सर के यहाँ चलो मैं स्टेप बोल रहा हूँ याली स्टेप को, सब बच्चे फिर से लिख लो, कौन सी वाली को, याली स्टेप को, याली स्टेप को, 1 = 10a + 10b, या चलो इस स्टेप को ही लिख लो पूरा जैसा तुम्हारी इच्छा हो। तो कौन सा वाला बेटा, 2 = 2 = 10a + चलो 1 वाला लिखते हैं, 1 = 10a + 10b + 10a 10b। सब बच्चे इस स्टेप को जो अपन ने लिखी थी ना बेटे यहाँ पे वो फिर से लिख ली। तो सर इसको लिखने से क्या होगा, अब तू पूरी इक्वेशन को 10a 10b से डिवाइड कर दे, 1 अपॉन में कितना 10a 10b, 10a अपॉन में कितना 10a 10b, यहाँ पे 10b था ना बेटा यहाँ पे, तो 10b अपॉन में कितना 10a 10b, 10a 10b अपॉन में भी कितना 10a 10b। ठीक है सर। तो सर अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि 1 upon 10a is cot a, 1 upon 10b is cot b। ठीक है सर, 1 upon 10a cot a, 1 upon 10b कितना हो गया cot b। सर यहां से 10a से 10a कैंसिल हुआ तो ये तो बच गया cot b, यहां से 10b से 10b कैंसिल हुआ तो कितना बच गया cot a, और सर ये दोनों ही कैंसिल हो गए तो कितना बच गया 1। कितना बच गया बेटा 1। तो सर अब आप क्या कराओगे, मैं इसको इधर इसको भी इधर, तो सर कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कितना 1। सर आपने तो कुछ नहीं कराया, आपने ये स्टेप कॉपी कराई कॉपी, फिर डिवाइड करा 10a 10b 10a 10b 10a 10b। अगर बच्चे मेरे साथ चल रहे होंगे तो और ही मजा आ रहा होगा। ठीक है सर अब आप क्या कर रहे हो मेरे को बताओ, मैं क्या करूंगा, मैं +1 इधर भी करूंगा +1 इधर भी करूंगा। तो सर अगर आप +1 +1 ही करना चाहते हो
तो पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? अगर बच्चों को कॉट बी कॉमन दिख गया तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, कॉट ए माइनस वन, माइनस यहाँ पे क्या रहा है कॉट ए, इस तरफ प्लस वन कर दिया और उस तरफ भी प्लस वन कर दिया, इधर भी प्लस वन उधर भी कितना प्लस वन। तो सर उससे हुआ क्या, अगर बच्चे याद करें तो ये हो गया कॉट बी, ब्रैकेट में कितना आ गया कॉट ए माइनस वन, इसमें से माइनस वन कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा कॉट ए माइनस वन इज इक्वल टू कितना टू। तो सर ये तो हो ही गया, देखो ना सर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो कॉट ए माइनस वन कॉट बी माइनस वन इज इक्वल टू कितना टू, कॉट ए माइनस वन कॉट बी माइनस वन इज इक्वल टू कितना बेटा टू। क्या फोटो बनता है बेटा इसका? हाँ, लेकिन मैं किसी बच्चे को बोलूंगा इसमें दर्द मत लेना यार।